पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बलरामपुर के उतरौला विधानसभा में समाजवादी पार्टी से दो बार विधायक रहे आरिफ अनवर हाशमी की जमानत अर्जी न्यायालय ने मंजूर नहीं हुई है। आखिरकार देर शाम विधायक को पुलिस ने जेल भेज दिया। विधायक की गिरफ्तारी से लेकर जेल भेजे जाने तक काफी गहमा गहमी रही। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। न्यायालय परिसर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए गए थे। देर शाम पूर्व विधायक को न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा जमानत की अर्जी ना मंजूर करने के बाद आरिफ अनवर हाशमी को जिला कारागार भेज दिया गया है। जनपद बलरामपुर के थाना सादुल्ला नगर में आज पूर्व विधायक श्री आरिफ अनवर हाशमी को पुलिस से गिरफ्तार किया। पूर्व विधायक के ऊपर सन 2018 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें उनके ऊपर खलिहान की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके अपने विद्यालय के निर्माण करने के आरोप लगे थे। इस प्रकरण की जांच जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा भी की गई और आरोपों में सत्यता पाई गई, तो इसमें पुलिस ने पूरे साक्ष्य संकलन करने के उपरांत जिलाधिकारी कार्यालय की जो रिपोर्ट थी उसका विधिवत अध्ययन करने के उपरांत इसमें दोष जो लगाए गए थे, जो आरोप लगाए गए थे, उनमें सत्यता पाई गई और आज पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। 26 साल बाद FIR दर्ज की गई। 94 से मैं जियो हुआ, गांव सभा की जमीन दी गई, किसान बालिका इंटर कॉलेज खोला गया, उसमें सरकार ने पैसा दिया और सरकार ने एक आदेश किया कि इसका स्वामित्व राज्य सरकार का होगा। SDM उसके मेंबर हैं, जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक उसके सदस्य हैं। और उसके बाद भी FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करके जो है सत्ता पक्ष के दबाव में जेल भेजा जा रहा है। हमें कानून पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा।